हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ जेड इंटू डी जेड। मतलब ये निकलता है कि अगर आज के बाद इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दी हुई होगी तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है। ओके, दो थ्योरी है, ज़रा ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन होगी कि वैन एफ जेड हैज़ नो पोल्स ऑन रियल एक्सिस। अगर एफ जेड कोई भी पोल रियल एक्सिस के ऊपर ना रखता हो, जैसे मान लिया जाए ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा रियल एक्सिस है, और एफ जेड जो है इस रियल एक्सिस के ऊपर कोई भी पोल ना रखता हो, तो उस पोजीशन में आपको क्या करना है। एंड आगे क्या कहना चाह रहा है, बट एफ जेड हैज ए पोल, हैज ए पोल ऑन, कहाँ रखता हो पोल भाई, अपर हाफ प्लेन। मतलब ये निकलता है कि अगर मान लिया जाए ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ओके, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है। एफ जेड जो है कोई भी पोल यहाँ रियल एक्सिस के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर ना रखता हो। ओके, बट एफ जेड हैज ए पोल इन अपर हाफ प्लेन। पोल जो है क्या तो यहाँ कहीं हो या फिर यहाँ कहीं पोल हो। ओके, आप समझते हो पोल का मतलब ये निकलता है कि फंक्शन की एफ जेड की वो वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन की एनालिटिसिटी ब्रेक हो जाए। ओके, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को किस कंसेप्ट का यूज़ करना है, ज़रा सुनो। ओके, टू इवेल्युएट अबव इंटीग्रेशन इस तरह के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वी कंसीडर क्लोज कंटूर सी एक क्लोज कंटूर को हम कंसीडर करेंगे। किस तरीके से कंसीडर करेंगे जरा सुनो, जिसके अंदर होगा नंबर वन एक सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल कैसा सेमी सर्कल होगा, मोड जेड इज इक्वल टू आर होगा, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी, आर हो, इन अपर हाफ प्लेन, इन अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन के अंदर हम आर रेडियस का एक सर्कल कंसीडर करेंगे। पॉइंट नंबर टू, रियल एक्सिस जो ली जाएगी उसके ऊपर, रियल एक्सिस जो हम लेंगे वो लेंगे माइनस आर से लेके प्लस आर तक। ओके, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये मेरा रियल एक्सिस है और ये वाली माइनस के आर है और ये वाली दूरी इधर प्लस के आर है, सपोज दैट ये प्लस के आर है, इसके ऊपर मैं एक सर्कल ऐसे कंसीडर कर लूँगा। क्लियर, सपोज दैट ये मेरा वाई एक्सिस ऐसे निकल जाएगा, समझ आती है ना। रेडियस जो ली जाएगी माइनस के आर से लेकर प्लस के आर तक ली जाएगी, अर्थात अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो ये वाली दूरी माइनस के आर ले लूँगा, ये वाली दूरी पॉजिटिव आर ले लूँगा। क्लियर, देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देन तब हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू शो दैट हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि द इंटीग्रेशन अलोंग, अगर ये जो मेरा कर्व गामा है, ये जो मेरा कर्व है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको गामा मान लूँ, ओके, इस कर्व को मैं क्या मान लूँ भाई,
गामा मान लूँ एलोंग गामा, वेनिश एज मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो है दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होंगी। पहले वाली कंडीशन होंगी कि पोल जो है जो भी फंक्शन होगा उसके पोल रियल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं होंगे, पोल जो होंगे वो अपर हाफ प्लेन के अंदर होंगे। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्लियर होगी बात। जो जितने भी आपके पोल होंगे वो क्या तो यहाँ होंगे या फिर यहाँ होंगे, अपर हाफ प्लेन के अंदर होंगे सारे के सारे पोल्स। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मोड जेड इज इक्वल टू आर रेडियस का मैं एक सर्कल लूँगा और इस सर्कल को जो है मैं गामा कर्व मान लूँगा और ये जो गामा कर्व है इसको मैं वैनिश दिखाऊँगा एज जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी के ऊपर। उस पोजीशन में मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन होगा, ज़रा उसको देखो, मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन होगा जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो होगा एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू होगा ये गामा एफ जेड डी जेड प्लस माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस आर से लेकर आर तक जो मैं मेन कैलकुलेट करूँगा। भाई ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि गामा वैनिश एज एट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अर्थात ये वाला पोर्शन तो मेरा जीरो हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन के लिए। ओके, इस सर्कल के लिए मेरा इंटीग्रेशन होगा एफ जेड इंटू डी जेड। ओके, और यहाँ होगा एफ जेड इंटू डी जेड, अर्थात ये पोर्शन जीरो होते हुए कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर टू आर एफ जेड इंटू डी जेड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा टेकिंग आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लूँगा। जब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लूँगा मैं तो ये जो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डालूंगा मैं एफ जेड इंटू डी जेड। ओके क्लियर, ये होने के जस्ट बाद देन तब मैं क्या करूँगा, देन लास्ट में मैं जो यूज़ करूँगा देन बाय कोची थ्योरम, देन बाय कोची थ्योरम मैं यूज़ करूँगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आरूटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ओके, इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैं टोटल के टोटल जितने भी आगे क्वेश्चन है वो निकालूँगा। और बहुत आसान मेथड है, बहुत इजी तरीका है, थोड़ी सी थियोरेटिकल पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है मैं भी मानता हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ क्या कंसेप्ट है। पहले तो आपको ये देखना होगा जो भी फंक्शन आपको दे रखा है क्या उसका पोल रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ओके, आप चेक करोगे, मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर चेक करूँगा, अगर रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो कंडीशन कुछ और लगेगी, ये वाला मेथड नहीं लगेगा। आपका जो पोल है वो अपर हाफ प्लेन के अंदर होना चाहिए। अपर हाफ प्लेन का मतलब ये निकलता है बेटा, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपका पोल यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं कहीं भी हो सकता है। ओके, इस तरह के इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए मैं एक सर्कल लूँगा और सर्कल लूँगा मोड जेड इज इक्वल टू आर यानी आर रेडियस का एक सर्कल लूँगा। ये मैंने वो आर रेडियस का एक सर्कल लिया जिसकी वैल्यू मैंने जिसका नाम दिया मैंने गामा। ओके, और रियल एक्सिस के ऊपर आर को लूँगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक यानी माइनस आर से लेकर आर तक। उसके जस्ट बाद मेरे पास जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है वो होता है गामा को, जो गामा का जो इंटीग्रेशन है इसको मैं वैनिश दिखाने की कोशिश करूँगा, हर बार आपके सामने रहेगी चीज़ें। और जो इवेल्युएशन करना है मेरे को, जो इंटीग्रेशन निकालना है उसको लूँगा मैं कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू गामा एफ जेड डी जेड। ये पोर्शन तो ज़ीरो ही रहेगा, ये पोर्शन तो क्या होगा, ये तो ज़ीरो ही रहेगा। ओके, आप भी देखो ज़ीरो प्लस के माइनस आर टू आर। ओके, अर्थात इस पोर्शन को ज़ीरो रखते हुए दूसरी लिमिट लूँगा मैं माइनस आर टू आर एफ जेड इंटू डी जेड। अब आर को इन्फिनिटी टेंड करा दूँगा, जैसे ही मैं आर को इन्फिनिटी टेंड कराऊँगा भाई ये पोर्शन तो ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखना आप किस तरीके से ज़ीरो होगा, क्वेश्चन से पता लगेगी। इधर हो जाएगा मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, दूसरी तरफ होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ जेड इंटू डी जेड। अब लास्ट में क्या करूँगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ जेड डी जेड को यहाँ जो रेजिड्यू निकलेगा उसको मैं लिखूँगा टू पाई आरटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ओके,
टू पाई आल्टा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। उसके जस्ट बाद जो भी सिचुएशन बनती है, जैसी भी सिचुएशन बनती है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है ना बेटा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, बस आपको थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करना है कि पोल लाई होता है कि नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है भाई, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, पहचान ये है कि जीरो से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट होगी, क्वेश्चन की पहचान ये है। फिर बता रहा हूँ, जीरो से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होगी, लिमिट होगी। ये है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन टू, मेरे को ये प्रूफ करना है, क्लियर। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मैं वही सपोज करूँगा कि अगर ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और अगर ये मेरा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई एक्सिस है, मैंने इसके ऊपर आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला ले लिया माइनस के आर, सेम ग्राफ जो अभी बताया था ये लिया प्लस के आर, और ये मैंने गामा सर्कल लिया। ओके, आप इसको एक फिक्स दिशा भी दे सकते हो, चाहे तो ऐसे दे लो, या फिर इधर से भी दे सकते हो, या ऐसे दे लो। ओके, यहाँ से ऐसे, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक। तो इसको प्रूफ करना है जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन टू। नाउ सॉल्व करने जा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। और बेटा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स होगी, यानी सबसे पहला आप कंटूर इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर निकाला था, आप यहाँ से यहाँ तक गामा को इंटीग्रेट करोगे, फिर गामा से लेकर के फिर प्लस करोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अर्थात इसके अंदर दो इंटीग्रेशन चलने हैं, एक तो यहाँ से गामा, फिर माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस आर से प्लस आर। ओके, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर मैंने काम किया था, क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर, सपोज दैट, क्या सपोज किया मैंने भाई, सपोज दैट कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, ओके, और वियर एफ जेड को मैंने क्या लिया, वियर ध्यान से सुनना, ये एफ ओफ एक्स है, ओके, एफ ओफ एक्स जो है मेरा कितना है, वो है वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, जब x की जगह z रिप्लेस करूँगा तो ये निकल करके आएगा f ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन वन प्लस के z स्क्वायर। आप देखो, x की जगह z रिप्लेस करो, आपको पता लग जाएगा यही निकलेगा। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसके पोल निकालने की कोशिश करूँगा, ये थ्योरी तो आप लिख ही दोगे, लेट अस कंसीडर ए क्लोज कर्व सी, ओके, या एक क्लोज कर्व गामा है इन अपर हाफ प्लेन विद द सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू आर। ओके, अगर आप ये थ्योरी लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ओके, लेट अस टेकिंग ए क्लोज कंटूर गामा इन अपर हाफ प्लेन विद द सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू आर, जो थ्योरी में मैंने आपको बताया था। ओके, एंड द रियल एक्सिस इज माइनस आर टू आर, नाउ द पोल ऑफ एफ जेड, अब मैं पोल निकाल रहा हूँ, पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, एफ जेड के अगर मैं पोल निकालता हूँ, आपको पता है कि पोल निकालने के लिए हर वाले पार्ट को ज़ीरो रखना होता है, ये निकल करके आएगा वन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, जाहिर सी बात है ये निकलेगा जेड प्लस के आर उठा इंटू जेड माइनस के आर उठा इज इक्वल टू ज़ीरो, और जेड की वैल्यू निकल करके आएगी प्लस माइनस आर उठा। ज़रा गौर करो, क्या अपर हाफ प्लेन के अंदर लाई हो रहे हैं कि नहीं, जेड इज इक्वल टू होता है मेरे पास एक्स प्लस के आर उठा वाई। ओके, जेड इज इक्वल टू, पहले वाला क्या है भाई, एक्स तो ज़ीरो है, यहाँ से देखो आप, ज़ीरो प्लस के आर उठा, यानी यही होता है ना, ज़ीरो प्लस के आर उठा, जब मैं इसको कंपेयर करके वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो आएगी, ओके, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वन, यानी पोल यहाँ कहीं है।
समझ आती है मेरी बात, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे वाली वैल्यू देखता हूँ, जब मैं लूँगा जेड इज इक्वल टू माइनस के आर उठा, जेड इज इक्वल टू होता है मेरे पास एक्स प्लस के आर उठा वाई। अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ एक्स प्लस आर उठा वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस के आर उठा, तो वाई की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, आपको दिख रही है माइनस के वन, माइनस के वन होगी यहाँ कहीं। ओके, देखो आप एकदम नीचे होगी, वाई एक्स के ऊपर ऐसे नीचे होगी, आप इस वैल्यू को छोड़ दोगे, बिल्कुल छोड़ दोगे। आपको क्या लेना है, पोल लाई इन अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन के अंदर जो पोल लाई हो रहा है उसी के ऊपर आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, और ये है कितना, वन। कोई दिक्कत तो नहीं है, वन का मतलब आयोटा, ठीक है ना? ये आपने छोड़ दिया। नाउ मैं लिख भी रहा हूँ, थ्योरी में भी बता रहा हूँ ये बात मैं आपको, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पोल है, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इज पोल्स, बट जेड इज इक्वल टू आयोटा लाई इन अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन के अंदर कौन सा रूट लाई होता है, आपको देख रहा है आयोटा होता है, माइनस के आयोटा। ये देखो आप, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर प्लस का आयोटा यहाँ है तो माइनस के आयोटा यहाँ होगा, समझ रहे हो ना? और अपर हाफ प्लेन से ये बाहर पहुँच चुका, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, क्लियर? नाउ मैं रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, रेजिड्यू किसके ऊपर, जेड इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर, यानी जो अपर हाफ प्लेन के अंदर मेरे को मिला है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये वाई एक्सिस है, ये माइनस के आर है, ये प्लस के आर है, इससे पहले वाले ग्राफ के अंदर जो मैंने आपको बताया था। ओके, ये वाली बात बता रहा हूँ, क्लियर? अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर जेड इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर मैं रेजिड्यू निकालता हूँ, तो ये निकल करके आएगा लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, और ये हो जाएगा z माइनस के आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड, बट f ऑफ जेड को देखो क्या था, आपका f ऑफ जेड जो था बेटा, दिखा भी रहा हूँ वो भी आपको, वो था वन अपॉन वन प्लस के जेड स्क्वायर। ये देखो आप, f ऑफ जेड की वैल्यू कितनी थी, वन अपॉन वन प्लस के जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, वन अपॉन क्या लिखा जा सकता है, जेड माइनस के आयोटा इंटू जेड प्लस के आयोटा, ये तो समझते हो आप। तो मैंने यहाँ से रेजिड्यू कैलकुलेट किया, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर कितना निकला, लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा जेड माइनस आयोटा इंटू वन अपॉन जेड माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस के आयोटा, इससे ये कैंसिल, बराबर z की वैल्यू जैसे ही आयोटा डाली कितनी निकली, वन अपॉन वन प्लस के, सॉरी आयोटा प्लस के आयोटा, बराबर निकल करके आई वन अपॉन टू आयोटा। ओके, नाउ टू आयोटा निकल गई बाई रेजिड्यू थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोची थ्योरम या कोची रेजिड्यू थ्योरम। कोची रेजिड्यू थ्योरम जो है वो क्या होती है भाई, वो ये होती है कि इधर जो कर्व इंटीग्रेशन होता है, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड बराबर होता है टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, आप भी समझते हो। ओके, तो कितना निकल करके आया, टू पाई आयोटा गुणा वन अपॉन टू आयोटा निकला, टू आयोटा से टू आयोटा कैंसिल, कितना निकल गया, ये निकल गया पाई, क्लियर? अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, यानी मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली भाई, ये निकला कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू कितना हुआ, पाई। एक रिजल्ट तो मेरे पास ही आ चुका, सपोज दैट इक्वेशन वन है। आगे की तरफ चलते हैं, नाउ गामा वाला कैलकुलेट करता हूँ, जो मैंने सेकेंड सिचुएशन यहाँ आपको बताई थी, ये वाला जो गामा था, ये जो गामा मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर, इसको देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ गामा जो होगा, लिमिट बहुत आसान है गामा कैलकुलेट करना, जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी
जेड इंटू एफ ऑफ जेड। ओके, फिक्स फार्मूला चलना है हर क्वेश्चन के अंदर। बराबर निकल करके आएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू देखो बेटा आप, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है वन प्लस के जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस के जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखो भाई आप, रिजल्ट निकला लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड बटे वन प्लस के जेड स्क्वायर। ओके, ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी है, जेड की वैल्यू डाली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनी। ओके, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ये निकल करके आएगा कितना भाई, ऊपर तो जाएगा वन डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा वन प्लस के टू जेड। जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा और लिमिट कितनी है, लिमिट है जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जेड की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी डालूँगा वन अपॉन ये हो जाएगा ज़ीरो, सॉरी ये ज़ीरो होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। एल हॉस्पिटल रूल लगाया है मैंने यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाया है। ओके, एल हॉस्पिटल रूल का मैंने यूज़ किया ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, वन का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में ज़ीरो, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू जेड, जेड की वैल्यू डाली मैंने कितनी इन्फिनिटी, ज़ीरो प्लस के इनफाइनाइट हुआ, वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है ज़ीरो। अर्थात आपके पास निकल करके आया क्या निकला, लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड इज इक्वल टू कितना निकल गया, ज़ीरो। नाउ आप डायरेक्टली बोलोगे नाउ कर्व इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू हमेशा ज़ीरो होना है, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अब देखो बेटा जो आपका रिजल्ट था नाउ लास्ट में देखो आप। ओके, अब मैं कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा और आपको रिजल्ट बताऊँगा कितना है। नाउ मेरे पास जो इंटीग्रेशन था वो ये निकल करके आया था, फार्मूला जो था मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू गामा एफ जेड इंटू डी जेड प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ जेड इंटू डी जेड, ये मेरा फार्मूला हुआ करता था। देखो अगर आपको प्रॉब्लम है या डाउट है फिर से बता दूंगा, ये मेरा वो फार्मूला हुआ करता था जिसका मैं यूज़ करता था थ्योरी के अंदर जो मैंने आपको बताया था। कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू गामा एफ जेड डी जेड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ सॉरी माइनस आर टू आर एफ जेड डी जेड, और आर को मैं क्या लेकर के चलूँगा, इन्फिनिटी लेकर के चलूँगा। अब देखो बेटा यहाँ दो चीज़ें मेरे पास पहले से ही निकल चुकी थी, पहले तो ये देखो आप कि ये जो कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड है ये कितना था, इधर मेरे पास जो था चूँकि कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड की वैल्यू कितनी निकल चुकी थी, ध्यान से देखना है आपको, ये देखो जो मैंने इक्वेशन वन मानी थी ये तो निकल चुकी थी पाई गामा एफ जेड डी जेड, ये तो करो या ना करो हर बार ज़ीरो ही होगा। ओके, अब अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ तो सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, सेकंड के अंदर अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो ये निकल करके आएगा बेटा, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग इन टू, दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ डाली, इन सेकंड इक्वेशन के अंदर डाली, ये तो हुआ मेरे पास पाई इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास ज़ीरो प्लस माइनस के आर से लेकर आर, और ये हुआ मेरे पास एफ जेड इंटू डी जेड। ओके, आर को मैंने इन्फिनिटी टेंड करा जो मैं कह रहा था कि हर बार इन्फिनिटी लेकर के चलूँगा, ये निकल करके आया पाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ओफ जेड की वैल्यू देखो बेटा आप, एफ ओफ जेड की वैल्यू कितनी थी, ध्यान से देखना है, वन अपॉन वन प्लस के जेड स्क्वायर डी जेड बटे वन प्लस के जेड स्क्वायर, क्यों एफ ओफ जेड की वैल्यू थी मेरे पास कितनी, वो ये थी वन अपॉन वन प्लस के जेड स्क्वायर, जब जेड को एक्स से रिप्लेस करूँगा ये हो जाएगा एफ ओफ एक्स, जेड को एक्स से रिप्लेस करूँगा ये हो जाएगा वन प्लस के एक्स स्क्वायर, चाहे इसमें ले लो या इसमें ले लो बात तो एक ही है, वेरिएबल ही है, तो ये होगा पाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स बटे
ये हो जाएगा वन प्लस के एक्स स्क्वायर भाई, हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, फार्मूला ये होता है दो इंटू ज़ीरो से इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू डी एक्स, इवन फंक्शन के लिए होता है, आप समझते हो सारी चीज़ें। तो इधर निकला पाई इज इक्वल टू दो इंटू ज़ीरो से इनफाइनाइट डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा गया यहाँ से सीधा सीधा, दो से डिवाइड कर दिया, ज़ीरो से इन्फिनिटी डी एक्स बटे वन प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई टू, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका आंसर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।